एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, गेट 2013 डबल ई का क्वेश्चन है, पूछा गया। इस क्वेश्चन को लेने का एक पर्पज है, कभी ओपैम के आउटपुट साइड में या फीडबैक पाथ में कोई डायोड कनेक्ट कर दिया जाए, कोई बीजेटी कनेक्ट कर दिया जाए, है ना, कोई मॉसफेट कनेक्ट कर दिया जाए, तो हाउ टू डील विद इट। अगर आप डीसी एनालिसिस मेरा जो क्रैश कोर्स में फॉलो किए हैं डायोड को, तो डायोड को मैं एक स्विच मान के सारी चीजें एनालिसिस कराता हूं, ओपन सर्किट टेस्ट करवा के उसको ऑन ऑफ करवाता हूं, उसको आप जरूर जाके देखना, क्योंकि वो सारे बेसिक्स मैं यहां यूज करूंगा। वो चीजें मैंने इतनी सिंपल बना दी कि उसका यूज करके इसको भी मैं सिंपल बना दूंगा। बीजेटी है उसको भी मैं एक स्विच की तरह ट्रीट करता हूं, मॉसफेट है उसको भी मैं स्विच की तरह ट्रीट करके उसकी सारी डीसी एनालिसिस करता हूं, यहां पर भी मैं करूंगा। और ये क्वेश्चन लेने का पर्पज नहीं है कि केवल इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, मैं यही वोल्टेज 5 वोल्ट की पोलैरिटी चेंज कर दूंगा, इसी क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा, कैसे बदलेगा सारी चीजें देखेंगे, है ना। तो बहुत लोग बहुत सारी चीजें बहुत तरीके से आपको क्वेश्चन बताएंगे, करंट के डायरेक्शन के थ्रू बताएंगे। डायोड और बीजेटी में मैंने देखा करंट की डायरेक्शन के थ्रू सब एनालिसिस करते हैं, और वो एनालिसिस बहुत लेंदी होती है, मैं वो सब प्रीफर नहीं करता हूं। और वो मैंने डीसी एनालिसिस आपको जो सिखाया है बीजेटी का, डायोड का, वो ईडीसी वाले पार्ट में पढ़ा है सारा न्यूमेरिकल पोर्शन, वो इलेक्ट्रिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा है उसे ईडीसी पार्ट में, लेकिन डीसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी, डीसी एनालिसिस ऑफ डायोड, डीसी एनालिसिस ऑफ मॉसफेट, ऑल हैज बीन कवर्ड इन ईडीसी पार्ट, है ना, क्रैश कोर्स। तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए, सोल्यूशन पे पहुंचिए, सोल्यूशन आपने कितना इफेक्टिवली निकाला, जो जो आपने सोचा वो कितना सही सोचा, कितने पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो इंपॉर्टेंट है। आंसर इज नॉट ऑल एट ऑल इंपॉर्टेंट। गेट का क्वेश्चन सीखने के लिए मैं हमेशा लेता हूं, मैं जब भी करता था गेट के क्वेश्चन पहले भी कभी, तो एकदम कन्विंसिंगली उसको एनालाइज करके हर एक एक पॉइंट को, ताकि आगे से इस तरह का कोई क्वेश्चन फ्रेम हो तो मेरे मन में 1% का डाउट ना हो, ठीक है। तो आंसर निकालते हैं, फिर सीखते हैं चीजों को कैसे करना चाहिए, ठीक है। चार ऑप्शन लिए, -15 -0.7 +0.7 +15, ठीक है ना। विजय ऑब्वियसली वीबी की वैल्यू 0.7 होती है सिलिकॉन के लिए। क्वेश्चन क्या दिया है आप खुद से करिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। इन द सर्किट शोन बिलो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज वी आउट इफ अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर क्यू, ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है इसको क्यू कह रहे हैं, एंड एन आइडियल ओपैम आर यूज्ड, ठीक है। सिलिकॉन का वीबी कितना होता है, बेस टू इमिटर वोल्टेज कितना होता है, 0.7 आपको पता है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का, है ना, जर्मेनियम का 0.2 होता है। अब देखो जब भी आपको इस तरह का बीजेटी या मॉसफेट या डायोड कनेक्ट कर दिया जाए ओपैम के आउटपुट साइड में या फीडबैक पाथ में, तो हमेशा पहली चीज क्या करनी है, बीजेटी या डायोड या मॉसफेट हमेशा एक स्विच की तरह काम करता है। वो ऑन होगा तो उसका एक लो रेजिस्टेंस होता है और उसके थ्रू करंट फ्लो होती है। अगर वो ऑफ होगा तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और उससे करंट जीरो फ्लो होती है। जैसे बीजेटी कट ऑफ में तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, है ना, मॉसफेट कट ऑफ में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, कोई करंट नहीं मतलब ओपन सर्किट बहुत हाई रेजिस्टेंस की तरह ये बीजेटी बिहेव कर रहा है या डायोड बिहेव कर रहा है या मॉसफेट। जब ऑन होगा तो लो रेजिस्टेंस पाथ की तरह बिहेव करेगा और करंट अलाउ करेगा, करंट फ्लो होगी, है ना। अब ध्यान से देखो, जब भी इस तरह से बीजेटी या डायोड या कनेक्ट है, पहले हम देखेंगे वो ऑन है कि नहीं है। ऑन है तो वो एक ऑन की सर्किट से अपने रिप्लेस होता है, ऑफ है तो अपनी ऑफ की सर्किट से। तो अब देखो, ये जो हमने एक तरह से देखो निगेटिव फीडबैक लगाया है थ्रू ट्रांजिस्टर, अगर यहां यही ट्रांजिस्टर की जगह मैं कनेक्ट कर देता एक रेजिस्टेंस बेटा, तो मैं कहता गारंटी के साथ कि निगेटिव फीडबैक इज प्रेजेंट। मैं गारंटी के साथ कह सकता था निगेटिव फीडबैक प्रेजेंट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो लगा होता इस ट्रांजिस्टर की जगह वो हमेशा कनेक्टेड होता बिटवीन निगेटिव टर्मिनल एंड आउटपुट। लेकिन अगर ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाए बेटा, तो ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। अगर ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया तो इस और इस पॉइंट के बीच का कनेक्शन क्या हो गया, गायब हो गया। और आउटपुट और निगेटिव टर्मिनल के बीच का कनेक्शन अगर ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया, गायब हो गया, तो निगेटिव फीडबैक नहीं प्रेजेंट है। तो जब ऐसी डिवाइस आपकी लगी हो आउटपुट साइड में, जो आउटपुट साइड में ऐसी डिवाइस आपकी लगी हो या फीडबैक पाथ में ऐसी डिवाइस लगी हो जिसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि वो ऑन है तो अलग, रेजिस्टेंस ऑफ है तो अलग, तो फीडबैक भी गारंटी के साथ निगेटिव फीडबैक अप्लाइड है कि नहीं वो भी डिपेंड करेगा। अगर यही बीजेटी ऑन है तो ये लो रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू कनेक्टेड है निगेटिव टर्मिनल पे और एक ओवरऑल निगेटिव फीडबैक आपका प्रेजेंट हो जाएगा, है ना।
क्योंकि पॉजिटिव पे तो है नहीं, निगेटिव पे इस रेजिस्टेंस, और यही अगर कट ऑफ में चला जाएगा ओपन सर्किट तो आउटपुट और निगेटिव टर्मिनल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, ओपन सर्किट तो कोई फीडबैक नहीं प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव पे है तो नहीं निगेटिव, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हमेशा क्या करेंगे इस केस में, इसी सिखाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिया है ना कि मेरा अप्रोच क्या है, सिंप्लीफाइड अप्रोच अगर आप सीख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा पहले क्या करता था, जब भी ऐसी कोई डिवाइस बीजेटी हो या डायोड हो या बेटा क्या हो मॉस्फेट, मैं पहले उनको स्विच की तरह ट्रीट करता था और देखता था स्विच के ऑन होने की कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट, है ना। तो अब कोई ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, क्योंकि करंट बाहर के डायरेक्शन में, यही इमिटर है और ये बेस है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन सर्किट टेस्ट से चेक करूंगा वेदर दिस ट्रांजिस्टर इज इन ऑन स्टेट इन दिस पर्टिकुलर सर्किट आर इन ऑफ स्टेट। पहले तो ऑन ऑफ चेक करने के लिए मैं क्या करता था, इमिटर को ओपन कर दिया, बेस को ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये ओपन कर दिया, इमिटर को भी ओपन कर दिया, बेस को भी ओपन कर दिया, ठीक है। और बेस टू इमिटर वोल्टेज में मेजर करता था वीबी माइनस वी, अगर ओपन सर्किट कंडीशन में इज ग्रेटर देन वीबी, कितना होता सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट से, अगर ये ज्यादा है ओपन सर्किट टेस्ट में वीबी माइनस वी की वैल्यू, अगर 0.7 वोल्ट जो होता है सिलिकॉन के लिए वीबी एक्टिव की वैल्यू उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली ये ट्रांजिस्टर ऑन है और ये प्रॉपरली कनेक्टेड होगा, इसमें करंट फ्लो होगी, एक लो रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा। और अगर वीबी ओपन सर्किट टेस्ट में वीबी माइनस वी की वैल्यू अगर लेस देन 0.7 आ गई तो ये क्या है, ऑन नहीं है, इसके ऑन होने की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये किस रीजन में चला जाएगा, कट ऑफ में, और एक हाई रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा या ओपन सर्किट, आइडियली उसको ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब देखो इसको ओपन सर्किट टेस्ट करने गए, ये ओपन ओपन कर दिया, अब देखो अगर यहां ये ओपन कर दिया तो ये क्या है, फीडबैक अप्लाइड है, नहीं अप्लाइड है। फीडबैक कब होता है, जब आउटपुट से लेके फिर इनपुट पे कनेक्शन करते हो, तो यहां तो डिसकनेक्ट हो गया, तो अब कोई फीडबैक अप्लाइड नहीं है बेटा सिंपली, है ना। और अब देखो, और यहां से कोई करंट जा सकती है क्या, नहीं जा सकती क्योंकि ये ओपन है, यहां से कोई करंट जा नहीं सकती। अब देखो सिंपली ये वाला फीडबैक प्रेजेंट नहीं है तो ओपन किस कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे भी कोई फीडबैक नहीं, निगेटिव पे भी कोई फीडबैक नहीं, इट इज वर्किंग लाइक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये प्लस माइनस 5 वोल्ट है, माइनस इंड कनेक्टेड है ग्राउंड से, तो प्लस इंड कितने पे चला जाएगा, 5 वोल्ट पे, तभी ये डिफरेंस प्लस माइनस 5 वोल्ट का मेंटेन रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां से तो करंट जीरो ही जाती है आइडियल ओप एम्प में, ये ट्रू है, ठीक है, यहां भी करंट तो जा नहीं रही है, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है ये, क्योंकि ये अभी ओपन, इसका ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, किसका, ट्रांजिस्टर क्यू का, कभी भी डायोड होगा बीजेटी होगा पहले ओपन सर्किट टेस्ट से चेक कर लेंगे कि ये ऑन है कि ऑफ है, ऑन है तो ऑन की सर्किट से रिप्लेस, ऑफ है तो ऑफ, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे हमेशा, जब भी ओपन के साथ बीजेटी डायोड ये सब आ जाए, ठीक है, ध्यान से रखना। अब देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से सोचना, हम वोल्टेज के टर्म में, यहां भी करंट नहीं जा रही और यहां भी नहीं, देखो यहां से कोई करंट जा सकती है, यहां से अगर कोई करंट आएगी तो यहां एक पाथ है और यहां, यहां भी करंट जाने के लिए पाथ क्लोज है, जीरो करंट, यहां भी पाथ क्लोज है, तो इस 1 किलो ओम से करंट फ्लो हो सकती है, नहीं, तो अगर यहां 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट आ गया। अब देखो ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है, तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में और आइडियल ओप एम्प है जो कि ओपन लूप गेन इन्फिनिटी है, तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में किसकी तरह काम करता है, इट वर्क्स लाइक अ कंपैरेटर, तो ये कंपैरेटर की तरह काम करता है, तो कंपेयर करता है, इफ वी प्लस इज ग्रेटर देन वी माइनस देन इट प्रोड्यूसेस आउटपुट प्लस वी सेट, एंड इफ वी प्लस इज लेस देन वी माइनस देन इट प्रोड्यूसेस आउटपुट माइनस वी सेट। यहां देखो वी माइनस की वैल्यू 5 वोल्ट, वी प्लस की वैल्यू 0, तो 0 इज लेस देन 5 वोल्ट, मतलब वी प्लस इज लेस देन वी माइनस, तो यहां क्या आउटपुट जनरेट करेगा, माइनस वी सेट, और माइनस वी सेट की वैल्यू यहां क्या है, माइनस 15। अब अगर ध्यान से देखो ओपन सर्किट टेस्ट अभी इसका कर रहे थे, माइनस वी सेट मतलब देखो इमिटर इंड कहां से कनेक्टेड है ओपन सर्किट टेस्ट के केस में, माइनस 15 से, और आपका बेस इंड कहां से कनेक्टेड है, जीरो से, तो वी बी माइनस वी इन ओपन सर्किट टेस्ट कम्स आउट टू बी 0 माइनस माइनस 15 प्लस 15 विच इज ग्रेटर देन द 0.7 वोल्ट, वी बी एक्टिव से ज्यादा है, ये किसकी वैल्यू है, वी बी एक्टिव की वैल्यू, मतलब जो ये ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है इस सर्किट में दैट इज इन ऑन स्टेट, ओपन सर्किट टेस्ट पास कर गया, ऑन स्टेट है तो ये कनेक्शन मेड हो गया और ये बीजेटी क्या हो गया, ऑन। अब जैसे ये बीजेटी ऑन हुआ ये एक लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट किया और उसकी वजह से ये आउटपुट टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, और जैसे
कनेक्शन इस्टैब्लिश हो गया बेटा। जैसे ही कनेक्शन इस्टैब्लिश हो गया तो निगेटिव फीडबैक आ गया कि नहीं, पॉजिटिव पे तो था नहीं, इस कनेक्शन इस्टैब्लिश होने की वजह से निगेटिव फीडबैक आ गया। अब अगर निगेटिव फीडबैक आ गया तो ओवरऑल डोमिनेटिंग फीडबैक क्या हो गया? निगेटिव फीडबैक। ओवरऑल डोमिनेटिंग फीडबैक क्या हो गया? निगेटिव फीडबैक। और निगेटिव फीडबैक डोमिनेट करने की वजह से जो क्लोज लूप गेन है सर्किट का वो क्या हो गया? फाइनाइट। जब क्लोज लूप गेन सर्किट का क्या हो गया बेटा? फाइनाइट, है ना। तो फाइनाइट इनपुट प्लस 5 वोल्ट के लिए आउटपुट अब क्या आएगा? कुछ फाइनाइट आउटपुट आएगा, डिपेंड करेगा कितना आना है, कोई फाइनाइट। प्लस वी सेट और माइनस वी सेट किस आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आउटपुट को, जो मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबल है कंपैरेटर के केस में, ठीक है ना। तो अब ये सर्किट में निगेटिव फीडबैक डोमिनेट करेगा और ये ट्रांजिस्टर किस स्टेट में? ऑन। और जब ये ऑन स्टेट में होता है तो इसका बेस इमिटर जंक्शन रिप्लेस हो जाता है 0.7 वोल्ट की बैटरी या वीवी एक्टिव वोल्ट की बैटरी, और बैटरी का पॉजिटिव इंड किस साइड में होता है बेटा? पॉजिटिव इंड ऑन पी साइड। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस होता है पी और इमिटर होता है एन, तो 0.7 वोल्ट या वीबी एक्टिव वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो गया बेस इमिटर वाला पीएन जंक्शन विद बैटरी का पॉजिटिव इंड ऑन पी साइड एंड माइनस इंड ऑन माइनस साइड, है ना। ये गारंटीड है ट्रांजिस्टर क्यों ऑन है, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट अगर ये पास कर गया, सिंगल ट्रांजिस्टर है अगर ओपन सर्किट टेस्ट पास कर गया तो डेफिनेटली ये ऑन है। ऑन है तो ये प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी से ये वाला जंक्शन रिप्लेस हो गया। आप ध्यान से देखो, एक प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी है जिसका पॉजिटिव इंड कनेक्टेड है जीरो से, तो माइनस इंड का पोटेंशियल बता सकते हो? बैटरी के एक इंड का पोटेंशियल पता हो तो दूसरे इंड का बता सकते हैं, अगर बैटरी का पोटेंशियल पता हो तो। पॉजिटिव माइनस इंड का पोटेंशियल पॉजिटिव इंड के पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में घट जाता है कितने अमाउंट से? जितने वोल्ट की बैटरी है, तो पॉजिटिव इंड कनेक्टेड है जीरो पे, माइनस इंड घट जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव इंड कितने अमाउंट से? 0.7 वोल्ट की बैटरी है 0.7 अमाउंट से, तो जीरो के रिस्पेक्ट में 0.7 से घटेगा माइनस इंड, और माइनस इंड ही तो ये है वी नॉट, माइनस इंड ही ये वाला इंड है, इमिटर इंड इज माइनस इंड, यही वी नॉट है। तो 0.7 वोल्ट से घट जाएगा माइनस इंड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव इंड, दैट इज जीरो। जीरो माइनस 0.7 घटना मतलब माइनस, जीरो माइनस 0.7, जीरो माइनस 0.7 दैट इज माइनस 0.7 वोल्ट। तो ये इंड माइनस 0.7 पे होगा, ये जीरो पे, और ये डिफरेंस 0.7 वोल्ट का मेंटेन रहेगा, है ना। जीरो इज एट हायर पोटेंशियल एंड इमिटर इज एट लोअर पोटेंशियल, है ना, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आउटपुट तो आपका माइनस 0.7 वोल्ट आ गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमेशा जब भी बीजेटी डायोड इस तरह से कनेक्टेड हो तो पहले ओपन सर्किट टेस्ट से देखो कि वो ऑन है कि ऑफ है। ऑन है तो ऑन की सर्किट से रिप्लेस करो, ऑफ है तो ऑफ की सर्किट से रिप्लेस करो, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। अब देखो फाइनाइट आउटपुट आ गया कि नहीं, प्लस वी सेट या माइनस वी सेट, वो आउटपुट होता है क्या? इनफाइनाइट आउटपुट, जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है ओपन में, ये फाइनाइट आउटपुट हो गया क्योंकि ये बीजेटी ऑन होकर निगेटिव फीडबैक को इनेबल कर दिया, ओवरऑल गेन को फाइनाइट कर दिया, फाइनाइट गेन होने की वजह से फाइनाइट आउटपुट आ गया, ठीक है ना। प्लस वीसेट और माइनस वीसेट आउटपुट आने का रीजन क्या होता था? इनफाइनाइट गेन। अब देखो इसी क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता था कि भाई ये करंट बता दो, इससे क्या फ्लो होगी? आईसी। करंट कितनी फ्लो होगी, आईसी या आई, ये पूछा जा सकता था। अभी इसको सॉल्व करते हैं, अभी एक चीज मैं इसमें और बताऊंगा, देखो कितना दिमाग लगा के करना है, इसी से बहुत सारी चीजें एनालिसिस करनी है कि अगला क्वेश्चन आए तो दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो निगेटिव फीडबैक, ये बीजेटी ऑन हो गया तो ऑन होकर लो रेजिस्टेंस के थ्रू निगेटिव फीडबैक अप्लाई कर दिया, तो ओवर एक ही फीडबैक अवेलेबल है वो निगेटिव फीडबैक, तो ओवरऑल डोमिनेटिंग फीडबैक क्या हो गया? निगेटिव। यही बीजेटी ऑन नहीं होता तो मैं नहीं कह सकता था कि निगेटिव फीडबैक है, बीजेटी ऑन होकर निगेटिव फीडबैक को इनेबल कर रहा है बेटा, ऑफ रहेगा तो ओपन सर्किट है ये, तो फिर नहीं कि कनेक्शन बस दिखा रखा है और बीजेटी ऑन है ऑफ है आपको पता नहीं, आप कह दोगे कि निगेटिव फीडबैक लगा हुआ है। मैंने अभी पता किया कि इस 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के लिए ये बीजेटी डेफिनेटली ऑन है, डेफिनेटली ऑन है, ओपन सर्किट टेस्ट पास किया तो इसने लो रेजिस्टेंस के थ्रू आउटपुट को इनपुट से निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इस वजह से निगेटिव फीडबैक यहां प्रेजेंट है गारंटी के साथ। अब निगेटिव फीडबैक अगर प्रेजेंट है तो ओवरऑल डोमिनेटिंग फीडबैक क्या हो गया? अगर ये बीजेटी ऑन नहीं होता तो ये ओपन सर्किट, तो निगेटिव फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता, है ना। तो निगेटिव फीडबैक ही प्रेजेंट है और वही ओवरऑल डोमिनेटिंग फीडबैक है क्योंकि वही अकेला है। और ओपन लूप गेन ऑब्वियसली ओपन आइडियल है, कुछ नहीं किया गया, कहा भी गया है, अगर नहीं कहता तब भी आइडियल लेते हैं ना। ओपन लूप गेन इन्फिनिटी, निगेटिव फीडबैक इज डोमिनेटिंग फीडबैक, देन वी कैन इक्वेट वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस, तो यहां जीरो तो यहां जीरो वोल्ट, वी प्लस की वैल्यू जीरो वोल्ट ग्राउंड से तो ये भी जीरो, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आ गया। टर्मिनल से तो करंट जीरो जाएगी, आइडियल ओपन है तो टर्मिनल से इनपुट रेजिस्टेंस इनफिनिटी होता है, करंट जीरो। अब देखो यहां से कितनी करंट आई, 5 माइनस 0 अपॉन 1 किलो ओम, दैट इज 5 मिली एम्पियर।
यहां से इनकमिंग करंट आई 5 मिली एम्पियर, यहां जाएगी जीरो, तो सारी की सारी करंट यहां से चली गई। इस नोड पे एक इनकमिंग करंट है, दो आउटगोइंग पाथ हैं, दो पाथ मिले, यहां गई जीरो, तो सारी की सारी 5 मिली एम्पियर क्या आ गई, यहां आ गई। तो यहां से जो करंट आईसी है कितनी आ गई, ये भी पूछा जा सकता था, 5 मिली एम्पियर। अगर बीजेटी ऑन है तो उससे करंट फ्लो होती है, बेटा देखो फ्लो हो रही कि नहीं, बीजेटी ऑन है, ठीक है, है ना, ऑफ होती तो यही आईसी की वैल्यू जीरो होती कट ऑफ में। और अगर इसी में क्या देता, बीटा इज वेरी वेरी हाई, और जब भी कभी ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ कहा ना जाए और बीटा की वैल्यू गिवन ना हो, तो बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं कि बीटा इज वेरी वेरी हाई, एंड इन दैट केस अगर बीटा इज वेरी वेरी हाई देन आईबी टेंस टू जीरो, एंड आईबी व्हेन टेंस टू जीरो तो आईसी इज इक्वल टू आई, अप्रोक्सीमेटली आईसी और आई बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आईबी इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, टेंडिंग टू जीरो, एक्जैक्टली जीरो नहीं होता, आईबी टेंडिंग टू जीरो होता। अगर बीटा इज वेरी वेरी हाई देन आईसी मस्ट बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, तो आईसी 5 मिली एम्पियर तो आई भी 5 मिली, क्योंकि आईबी I is equal to IC plus IB, IB is tending to zero, then I is approximately equal to IC, तो I की वैल्यू भी 5 मिली एम्पियर बेटा हो जाता, यहां भी 5 मिली एम्पियर हो जाता अगर पूछा जाता तो, ये भी आपसे पूछा जा सकता था। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं चेंज क्या करता, कुछ नहीं चेंज करता बेटा, कुछ नहीं, सब कुछ आंसर आ गया, इसी में ये पोलैरिटी चेंज कर देता। देखो केवल आंसर रटा मत करो, क्वेश्चन को देखा करो, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, है ना। अब देखो पोलैरिटी चेंज हो गया, अब सब चीज मैं फिर से मिटा रहा हूं, आपने जो भी है पॉज करके नोट डाउन कर लेना, सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं, ये सारी चीजें, ठीक है, आईसी पोलैरिटी चेंज कर दिया, और यही चारों ऑप्शन मैंने आपको दिए हुए हैं, यही चार ऑप्शन मौजूद हैं, और आपको आंसर बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये पहले पार्ट में जब पोलैरिटी अलग थी, अब ये दूसरा पार्ट है, ये पहले पार्ट में, और पहले पार्ट में ये आंसर आया था और ये हमने कर दिया, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप, अब ये मैंने बना दिया, ये आपको इनिशियली क्वेश्चन गिवन रहता है ना, ये इनिशियली क्वेश्चन गिवन होता, ये पोलैरिटी उल्टा करके, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया, मेरा पर्पज है चीजों को सिखाना ना कि बस रटवाना। बहुत लोग एक सोल्यूशन दे देते हैं, मैं उसी में एनालिसिस करके क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ताकि एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें लर्न कर लो बेटा, ठीक है। अब देखो ये हटा देते हैं, अब देखो फिर से बीजेटी लगा हुआ है, तो पहले तो मैं चेक करूंगा वेदर बीजेटी इज ऑन और ऑफ, ऑन है तो ऑन की सर्किट से, ऑफ है तो ऑफ की सर्किट से, तब जाके एग्जैक्टली पता चलेगा वेदर एग्जैक्टली फीडबैक इज प्रेजेंट और नॉट, है ना, तभी वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तब पता चलेगा, है ना, एग्जैक्टली वेदर दिस स्विच इज ऑन और नॉट, ऑन है तो ऑन रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा, ऑफ है तो ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से या ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा। अब देखो ठीक है, ये प्लस माइनस इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, ये प्लस माइनस 5 वोल्ट की बैटरी है जिसका प्लस एंड ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो माइनस एंड कहां पे चला जाएगा, माइनस 5 वोल्ट पे, ताकि ये डिफरेंस प्लस माइनस 5 वोल्ट मेंटेन रहे। माइनस एंड का पोटेंशियल हमेशा घट जाता है प्लस एंड के रिस्पेक्ट में, कितने अमाउंट से, जितने वोल्ट की बैटरी है, प्लस एंड जीरो से कनेक्टेड है, माइनस एंड घट जाएगा जीरो के रिस्पेक्ट में, कितने अमाउंट से, 5 वोल्ट से, जीरो माइनस 5 माइनस 5 वोल्ट। अब देखो पहले मैं ओपन सर्किट टेस्ट फिर से करता हूं, जैसे मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया ये फीडबैक अब प्रेजेंट नहीं है, ना यहां करंट जा सकती क्योंकि ये ओपन है, ये पाथ ओपन है, करंट जा ही नहीं सकती, यहां भी नहीं जा सकती, तो इस यहां से करंट आ सकती है क्या, कोई नहीं, यहां से अगर आएगी तो एक पाथ यहां है, यहां करंट जीरो जा रही है, एक पाथ यहां, यहां भी पाथ बंद है, तो यहां भी करंट जीरो जाएगी, तो यहां से करंट आके फ्लो नहीं हो सकती। और अब देखो ये फीडबैक करंट कनेक्ट नहीं है, तो ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है, और ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में आप v प्लस इज इक्वल टू v माइनस नहीं कर पाते हो, ये मैंने बताया था, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में तो कभी नहीं कर सकते 100%, है ना, जिन लोगों ने पढ़ाया उनको बता दो कि भाई आपके बेसिक्स बड़े वीक है ना, आप बहुत अच्छा बाकी चीजें पढ़ाते हो लेकिन ये गलत पढ़ाए हो, ठीक है ना, तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में v प्लस इज इक्वल टू v माइनस तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। और अगर इस माइनस 5 वोल्ट से करंट फ्लो होना चाहती है तो पाथ चाहिए, यहां से करंट निकलेगी तो एक ये पाथ है और एक ये पाथ, दोनों पाथ क्लोज हैं क्योंकि यहां करंट जीरो जाएगी, यहां भी जीरो जाएगी, करंट के लिए पाथ क्लोज है, रास्ता बंद है, नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि यहां करंट जीरो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, यहां ओपन सर्किट है तो करंट के लिए रास्ता बंद है, करंट यहां से फ्लो नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर इस 1 किलो ओम से करंट फ्लो नहीं हो सकती, तो अगर ये माइनस 5 वोल्ट है तो इसके दूसरे इनका पोटेंशियल माइनस 5, अगर किसी रेजिस्टेंस से करंट जीरो फ्लो हो रही है तो उसके दोनों नोड का पोटेंशियल क्या होता है, सेम, ठीक है। अब देखो ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ये कंपैरेटर की तरह काम करता है, क्योंकि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में इसका गेन क्या होता है, इन्फिनिटी होता है आइडियल ओपन का, एंड इट वर्क्स लाइक अ
कंपैरेटर ये V प्लस और V माइनस को कंपेयर करता है, और इस केस में कभी भी V प्लस इक्वल टू V माइनस बेटा नहीं कर सकते। वर्चुअल ग्राउंड वाले कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से समझाया, यही बेसिक सबके वीक होते हैं इसीलिए फंसते हो। अब देखो कंपैरेटर की तरह काम कर रहा है, तो अगर V प्लस V माइनस से ज्यादा तो प्लस V सेट, V प्लस अगर V माइनस से कम तो माइनस V सेट आउटपुट आएगा। V प्लस की वैल्यू कितनी है 0 और V माइनस की वैल्यू कितनी है माइनस 5, है ना। अब ये ऑटोमेटिकली माइनस 5 और 0 सेम नहीं हो जाएंगे, ये 0 से कनेक्टेड है तो 0 ही रहेगा, ये माइनस 5 वोल्ट के थ्रू यहां से कनेक्टेड है और यहां से करंट 0 रहती है, माइनस 5 वोल्ट आएगा, अपने आप 0 नहीं हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, अपने आप 0 है ना, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कंपैरेटर की तरह काम कर रहा है ओपन लूप कॉन्फिगरेशन, क्योंकि ये फीडबैक नहीं कनेक्टेड है, ये ओपन हो गया। आउटपुट से लेके एक रेजिस्टेंस के थ्रू, एक फाइनाइट रेजिस्टेंस के थ्रू जब कनेक्ट करोगे या कैपेसिटेंस के थ्रू, तब उसको कहते हैं फीडबैक। यहां तो कनेक्शन ही नहीं है, ओपन सर्किट है, ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन माइनस 5 वोल्ट, है ना, तो V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, तो आउटपुट क्या आएगा प्लस V सेट, दैट इज प्लस 15। अब मैं निकालता हूं VB माइनस V इन ओपन सर्किट केस, VB माइनस V इन ओपन सर्किट केस क्या आएगा बेटा, VB की वैल्यू देखो क्या है, ग्राउंड से कनेक्टेड है ये, ग्राउंड 0 माइनस VE की वैल्यू, VE कितना कनेक्टेड है, VE के नोड का पोटेंशियल कितना है प्लस 15, तो ये आ गया माइनस 15 विच इज लेस देन VB एक्टिव, विच इज लेस देन VB एक्टिव, है ना, ये 0.7 से कम है VB एक्टिव से, मतलब ये ट्रांजिस्टर क्या है ऑन नहीं है, ये ट्रांजिस्टर क्या है ऑन नहीं है, क्योंकि इसके ऑन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ओपन सर्किट टेस्ट में अगर VB माइनस VE की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाता किससे, VB एक्टिव वोल्ट से, तो हम कहते हैं ट्रांजिस्टर गारंटीड के साथ ऑन है और इसके थ्रू करंट फ्लो होगी, मतलब ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया ऑफ, ऑफ हो गया, तो ये ओपन सर्किट से ही रिप्लेस होगा बेटा, वो यहां से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो सकती, है ना, ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा। और जैसे ये ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा, क्या कोई फीडबैक कनेक्टेड है, नहीं, ये ओपन सर्किट ही है ना, तो इसको हटा दो, ये तो ओपन सर्किट है, यहां से कुछ करंट और कुछ नहीं आ सकती। अब ये ओपन लूप कॉन्फिगरेशन में काम कर रहा है, और देखो यहां से करंट तो 0 ही जाती है, यहां से भी 0, V प्लस की वैल्यू क्या है 0 और V माइनस की वैल्यू क्या है माइनस 5 वोल्ट, क्योंकि इस 1 किलो ओम से करंट फ्लो नहीं हो सकती, एक ही पाथ है करंट फ्लो होने का कि यहां से करंट निकले और यहां अंदर जाए, है ना, है ना, तो यहां से करंट कितनी जा रही है 0 जा रही है, तो इस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के थ्रू एक ही पाथ है करंट फ्लो होने का, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन ले लो, ये और ये क्या है प्लस माइनस का बस डिफरेंस है, तो इस डायरेक्शन में अगर 1 किलो ओम से करंट जाएगी तो उसको फ्लो होना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ओप एम्प से, जहां से करंट हमेशा क्या होती है 0 फ्लो, तो इस 1 किलो ओम से करंट 0 फ्लो रही तो ये माइनस 5 वोल्ट, तो ये भी माइनस 5 वोल्ट, है ना, क्योंकि अगर किसी रेजिस्टेंस से करंट 0 फ्लो रही तो उसके दोनों नोड का पोटेंशियल, दोनों इंड का पोटेंशियल सेम। अब देखो ये ओपन लूप कॉन्फिगरेशन में किसकी तरह काम करता है, कंपैरेटर की तरह काम करता है, ये कंपेयर करता है वेदर V प्लस इज इक्वल ग्रेटर देन V माइनस या V प्लस इज लेस देन V माइनस, एंड अकॉर्डिंगली प्लस V सेट या माइनस V सेट आउटपुट देता है। कंपेरेटर के दो ही आउटपुट होते हैं प्लस V सेट या माइनस V सेट, तो यहां पे ध्यान से देखो, है ना, कंपेरेटर की तरह, और यहां पे आप V प्लस इज इक्वल टू V माइनस नहीं कर सकते, V प्लस इज इक्वल टू V माइनस करने की कंडीशन मैं बहुत पहले बता चुका हूं, कंपेरेटर है तो कभी नहीं V प्लस इज इक्वल टू V माइनस होगा, ओवरऑल गेन सिस्टम का इन्फिनिटी आ गया पॉजिटिव फीडबैक वजह से, तब भी V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कभी नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंटली वेरी करेंगे और वो कंपेरेटर की तरह काम करेगा और कंपेयर करेगा कि V प्लस V माइनस से ज्यादा है कि V प्लस V माइनस से कम है, यहां भी उसी तरह से। और ओपन लूप गेन इन्फिनिटी है, ये कंपेरेटर की तरह काम कर रहा है ओपन लूप कॉन्फिगरेशन में, ओपन लूप गेन इन्फिनिटी होने की वजह से, क्योंकि ये ओपन लूप कॉन्फिगरेशन में अब आ गया, ये ऑन नहीं है, हमने चेक कर लिया ओपन सर्किट टेस्ट फेल हो गया, तो ये ओपन लूप कॉन्फिगरेशन में काम कर रहा है और साथ में ओपन लूप गेन इन्फिनिटी है, तो किसकी तरह काम कर रहा है, कंपेरेटर केवल कंपेयर करेगा V प्लस V माइनस से ज्यादा है कि कम है। अब यहाँ V प्लस इक्वल टू V माइनस अपने आप नहीं हो जाएगा, ये ध्यान रखना, उसके इक्वल होने की कंडीशन बहुत अच्छे से समझाइए। अब देखो 0 इज ग्रेटर देन माइनस 5, दैट इज V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, तो आउटपुट क्या आता है V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, तो आउटपुट कंपेरेटर का आता है प्लस 15, अगर V प्लस इज लेस देन V माइनस तो माइनस 15, तो यहाँ ग्रेटर है तो प्लस 15, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता। अगर इसी 5 वोल्ट बैटरी की पोलैरिटी में चेंज कर देता तो इसी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, डी। और ये आपका करंट जो पूछी जाती कि ट्रांजिस्टर, यहां तो मैंने ट्रांजिस्टर हटा दिया ना, वो करंट यहां से दिखा के पूछ सकते थे इस आईसी की वैल्यू 0, क्योंकि ट्रांजिस्टर किसमें है कट ऑफ रीजन में, है ना, आईसी की वैल्यू 0, आईबी की वैल्यू 0, आई की वैल्यू, सबकी वैल्यू 0 होती, ठीक है ना, तो यहां तक एनालिसिस करने आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है ट्रांजिस्टर। अब जब भी डायोड ट्रांजिस्टर मॉसफेट आए, यही अप्रोच, ऑन है तो ऑन की सर्किट से रिप्लेस करो, ऑफ है तो ऑफ, उसके बाद देखो ओपन नेगेटिव फीडबैक
के केस में काम कर रहा है कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है और ओपन लूप गेन इन्फिनिटी है तो दो ही आउटपुट पॉसिबल है, प्लस Vset माइनस Vset। अगर निगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग है और एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है तब कोई और आउटपुट पॉसिबल हो सकता है, प्लस Vset या माइनस Vset के अलावा फाइनाइट आउटपुट कोई पॉसिबल हो सकता है। लेकिन कंपैरेटर की तरह तो यही दो ही आउटपुट, या तो प्लस 15 या तो माइनस 15, या तो प्लस Vset या तो माइनस Vset आ सकता है। तो यही पोलैरिटी बदल के मैंने आउटपुट प्लस 15 कर दिया बेटा, देखें। और इस प्लस 15 जब तक रहेगा, बेस जीरो से कनेक्टेड है, इमीटर प्लस 15 से कनेक्टेड है, कभी वीबी की वैल्यू 0.7 से ज्यादा हो नहीं पाएगी। पीएन जंक्शन जो बेस इमीटर जंक्शन है कभी फॉरवर्ड बायस हो नहीं पाएगा और कभी भी ट्रांजिस्टर ये ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा कट ऑफ में रहेगा, ओपन या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह, उससे करंट जीरो फ्लो होगी और ये फीडबैक कभी कनेक्ट नहीं होगा। और ये जीरो पे कनेक्ट है, ये हमेशा माइनस साइड पे कनेक्ट होगा। ये कंपेयर करेगा कंपैरेटर, जीरो इज ग्रेटर देन माइनस फाइव, जब तक जीरो माइनस फाइव से ज्यादा तब तक आउटपुट प्लस 15 मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कभी भी कोई इस तरह के जो स्विचेज हैं बीजेटी मॉसफेट या डायोड कनेक्ट हो जाएं तो ये अप्रोच करोगे तो बहुत सिंपल है, कोई करंट वरेंट का कैलकुलेशन नहीं। बहुत लोग आपको बताएंगे पहले इक्वेट कर दिया, करंट निकाला, करंट की डायरेक्शन उल्टी आ गई बीजेटी में, यानी कि बीजेटी करंट अलाउ नहीं करेगा एन से पी डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो नहीं हो सकती क्योंकि करंट पी से एन ही फ्लो हो सकती है। इस तरह के लॉजिक्स आएंगे, इस तरह के फिर करंट निकालोगे, कैलकुलेशन बार बार करोगे, जबकि ओपन सर्किट टेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ कनेक्शन हटा के देखना है। ये सब जो मैंने बताया, ये माइनस फाइव है, यहाँ माइनस फाइव आएगा क्योंकि कोई पाथ नहीं, ये सब चीजें ऑब्जर्व करके आप देख सकते हो। मैं तो बस ऑब्जर्व करके देख लेता हूँ, यहाँ फिर प्लस 15 आ रहा है, वीबी की वैल्यू 0.7 से क्या है कम है, मतलब ये ऑन ही नहीं हो सकता, ऑन नहीं तो ओपन, ये ओपन लूप कॉन्फिग्रेशन में आउटपुट प्लस 15 या माइनस 15 आएगा डिपेंडिंग कि ये इससे ज्यादा है या ये इससे कम है, तो मैंने कंपेयर करके आउटपुट जनरेट कर दिया। तो इस तरह से आधे एक डेढ़ मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन अप्रोच बहुत क्लियर होनी चाहिए। ओपन सर्किट टेस्ट बहुत हेल्पफुल होता है, मैंने डायोड में इसे प्रूफ किया टिपिकल क्वेश्चन कराने में, बीजेटी में प्रूफ किया, मॉसफेट में प्रूफ किया और यहां भी उसका यूज मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो मिलेंगे आप किसी और लेक्चर के साथ, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से बेटा देखना, जो दूसरा डिस्कशन मैंने किया उसको देखने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन दूर हुए होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी और क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।